हमारा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया? यस बबीता, रेडी हो गया। परफेक्ट, ये लो कॉफी लो। थैंक यू वेरी मच। देखो जड़ालाल, मेरे को तुमसे थोड़ा अर्जेंट काम है। क्या? मैं तुम्हारा दुकान पर आ जाऊं? हाँ ठीक है, आ जाओ। प्रथम क्या है, एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और सारा प्रेजेंटेशन उसी में था, मैं उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। अभी तुम ये लैपटॉप लेकर जड़ालाल की दुकान पर चले जाओ और उसको रिक्वेस्ट करना कि ये लैपटॉप आज के आज में रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो काका, बागा को बुलाइए। बागा नहीं है सेठ जी। नहीं है मतलब? सवेरे आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा और दुकान छोड़कर चले जाने के लिए कहा तो बेचारा चला गया। आपने बागा को दुकान से निकाल दिया? नहीं नहीं, अरे नटो काका कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए जेठा जी, अगर ये लैपटॉप आपसे रिपेयर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और से करवा लूंगी। बबीता जी, मेरे होते हुए आप कहीं और जाएंगे? अरे मैंने आपको जबान देना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। अभी जब तक रिपेयर किया हुआ लैपटॉप आपके हाथ में नहीं रखूंगा, तब तक मैं अपनी जबान आपसे वापस नहीं लूंगा। सच्ची जा, घनच मजीना टमाटर छे। एकदम ताजी ताजी सब्जी लेकर आई है तू? क्यों अंजलि मम्मी? हाँ, पर करेला मेथी कुछ नहीं लाई है, कल लेकर आना। हाँ करेला फेवरेट, एकदम फेवरेट हो सकता है। दीना है ना? हेलो, हाय हाय हाय। अरे हेलो बबीता जी। बबीता जी कहाँ से आ रहे हो? जेठा जी के दुकान ही गई थी। क्यों, क्या हुआ, मोबाइल बिगड़ गया? मत पूछो दया भाभी, सुबह से बहुत गड़बड़ हो गई है। काय साला, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हुआ यूं कि बेचारा अय्यर भाई। तो लैपटॉप रिपेयर हुआ कि नहीं? नहीं दया भाभी, वैसे जीठा जी ने कहा तो था कि बागा भाई रिपेयर कर देंगे, पर बाद में पता चला कि बागा भाई तो दुकान छोड़कर ही चले गए हैं। क्या? What? बागा भाई दुकान छोड़कर चले गए? हाँ, आई थिंक जीठा जी और बागा भाई के बीच में कुछ बहस हो गई थी, तो गुस्से में जीठा जी ने बागा भाई को दुकान छोड़ के जाने के लिए कह दिया। अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, इसे थोड़ी वो निकाल सकते हैं। क्या? हाँ दया बोल, क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? दया, मैं हिमालय में बैठा कोई अंतर्यामी योगी नहीं हूँ जो यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल जाएगा कि तू क्या सुन रही है। देखिए टप्पू के पापा, बबीता जी मेरे पास ही खड़े हैं और उन्होंने मुझे सब बता दिया है। क्या क्या बता दिया? ये आपने अच्छा नहीं किया टप्पू के पापा। क्या अच्छा नहीं किया? अरे बाघा भाई को दुकान से क्यों निकाल दिया? दया, मैं तेरे रसोड़े के मामले में कभी दखल देता हूँ? नहीं। तो फिर तू मेरे दुकान के मामले में क्यों दखल दे रही है? देखिए मैं आपके दुकान के मामले में दखल नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपने बाघा भाई को दुकान से निकाल दिया है तो अय्यर भाई का लैपटॉप रिपेयर कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर, लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बबीता जी, टप्पू के पापा ने कहा कि आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। गुड। बबीता जी, आपको कुछ सब्जी वब्जी लेनी है तो ले लो ना। हाँ अरे अरे, ये नट्टू काका कहाँ रह गए? बागा को ढूंढने के चक्कर में खुद भी खो गए क्या? सेठ जी, क्या हुआ, नहीं मिला बागा? नहीं सेठ जी, लेकिन बागा को लेकर एक सनसनीखेज खबर मुझे अभी मिली है। क्या? वो अपना नाके पे भट चाय वाला है ना? हाँ। उसने मुझे कहा कि एक घंटे पहले चाय की टपरी पे बागा आया था और सारा हिसाब चुकता करके चला गया। कहाँ चला गया? वो तो पता नहीं सेठ जी। सेठ जी, मुझे बागा की बहुत चिंता हो रही है, वो बहुत सेंसिटिव है। क्या है? भावुक है, भावनाओं में बहकर अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो गांव में उसके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे गांव वालों से पहले मुझे बबीता जी को जवाब देना है। और आप ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप एक काम कीजिए, आप दुकान संभालो, मैं बागा को ढूंढ के आता हूँ। ठीक है जी। होना,
जी बापूजी। एक कप अदरक वाली चाय रख देना। जी बापूजी। क्या हुआ बहू, परेशान लग रही है? नहीं बापूजी। बहू बता क्या बात। कुछ नहीं बापूजी, वो अभी पता चला कि टप्पू के पापा ने बाघा भाई को दुकान से निकाल दिया है। बाघा को दुकान से निकाल दिया? हाँ बापूजी, बबीता जी लैपटॉप ठीक करने के लिए दुकान गए ना तो पता चला। लेकिन जेठिया ने बाघा को दुकान से निकाला क्यों? वो तो नहीं पता बापूजी। कोई बात, तू एक काम कर, तू चाय रख, मैं जेठिया से बात करता हूँ। जी बापूजी। हेलो। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बापूजी? तूने बागा को दुकान से निकाल दिया? ये दया चापली। नहीं बापूजी, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? मैं बागा को दुकान से क्यों निकालूंगा? अच्छा, तो बागा से मेरी बात करा। अरे बात करा, चल चल फोन दे। वो बापूजी, वो थोड़ा काम का टेंशन में मैंने उसको थोड़ा गुस्सा किया तो वो नाराज होकर कहीं चला गया है बापूजी। बोला नहीं जेठिया, गुस्से में तू बहुत कुछ बोलता है। अरे बागा जैसे सच्चे नेक और ईमानदार लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। देख जेठिया, अच्छा सेठ वही होता है जो अपने हाथ के नीचे काम करने वालों से होने वाली गलतियों पे उसे डांटने की बजाय उसे प्यार से समझा के उस गलती को सुधारने की प्रेरणा दे। अरे गलती किससे नहीं होती? और अगर बागा से कोई गलती हो भी गई हो तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसे डांटने की क्या जरूरत थी? बराबर बराबर भौजी, आप बराबर बोल रहे हैं। सॉरी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ठीक है भाई, तो तू भी कल ही कर आना। नहीं नहीं, आज ही मिल जाएगा, मैं ढूंढना ही निकला हूँ बाबूजी, आज ही मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। ओके थैंक यू। चलो एक और नई मुसीबत, ये बाघा के चक्कर में मैं बेघर हो गया। अभी कहाँ ढूंढू उसे, कहाँ चली गई है रिशामणी? अरे बाप रे, यहाँ तो चढ़ाने, यहाँ कौन ढूंढने जाएगा? हाँ ये सीधा रास्ता, इधर ढूंढता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने हमेशा आपका और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भला ही चाहा है। जब भी जो भी पार्ट्स लाता था उस सब पार्ट्स का हिसाब रखता था, कभी भी किसी भी पार्ट को लगाने में कोई बेईमानी नहीं की। फिर भी आप नाराज हो गए, गुस्सा आया तो मुझे दुकान से निकल जाने को कहा। कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं भी आपसे नाराज हूं। आज के बाद मैं कभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पांव नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। हाँ बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, वो लैपटॉप रिपेयर हो गया? काम चालू है बबीता जी, हो जाएगा। ओके, बागा भाई वापस आ गए? अरे नहीं मिला, देखे ना उसको ढूंढ रहा हूँ मैं, दर दर भटक रहा हूँ रास्ते पे। ओह नो, बागा भाई वापस नहीं है मतलब लैपटॉप भी रिपेयर नहीं हुआ होगा ना? जेठा जी, ये लैपटॉप आज कल रिपेयर होना बहुत जरूरी है। बबीता जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम सौंपा हो वो टाइम में खत्म ना हुआ हो? हाँ वो तो है। तो फिर आप बेफिक्र रहिए, आपका लैपटॉप आज के आज रिपेयर हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ थैंक यू। कहाँ ढूंढू बागा को, मिल जा सिम सिम। अरे भाई कड़क मसाला चाय तो बनाओ, और खाने में क्या है, ये चवाना दो भाई, 100-200 ग्राम दो।
मेरे जाने के बाद इतना विनाश हो गया कि रास्ते की टपरी की चाय और चवानो खाना पड़ रहा है। क्या डाला है भाई चाय में? अजीब आभास हो रहा है मुझे। आभास नहीं, ये साक्षात बाघास है। आदमी को जिंदगी में कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। बाप रे, अभी तक सिर्फ बाघा की आवाज सुनाई दे रही थी, अब तो दिखाई भी देने लगा है। नहीं पीनी है चाय। कितना हुआ भाई? सेठ जी। अरे क्या है? बाघा? बाघा तू तू साक्षात लेव खड़ा है? अरे बाघा कहाँ चला गया था? सुबह से ढूंढ रहा हूँ तुझे। चल चल दुकान चल, कहाँ चला गया था? चल दुकान। अरे क्या खत, चल चल। मैं दुकान कैसे आ सकता हूँ? आपने तो मुझे दुकान से चले जाने के लिए कहा था। हाँ तो अभी मैं खुद तुझे बोल रहा हूँ, चल दुकान वापस। ये क्या कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है कि जब मर्जी हुई कह दिया चले जाओ, जब मर्जी हुई कह दिया अभी आ जाओ? बघाओ, क्या हुआ? सुबह चेक बाउंस हो गया था ना, तो मैं थोड़ा टेंशन में था, तो टेंशन टेंशन में थोड़ा तुझे डांट दिया। उसमें इतना बुरा लगाने का है? क्या मुझे तुझे डांटने का भी कोई हक नहीं है? अरे पगले, हम उसी को डांटते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। क्या मुझे तुझे प्यार करने का भी कोई हक नहीं है? बस बस सेठ जी, अब रूला हो गया क्या? बस भी कीजिए, मैं दुकान आने को तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात। बागा बाबा, थैंक यू बागा, थैंक यू। चल चल चल, ओ बबीता जी का लैपटॉप फटाफट दुकान जाकर रिपेयर कर, चल फटाफट चल। जी। अरे फुग्गा लेके कहाँ आ रहे हैं? अभी क्या फुग्गा बेचना चालू किया? नहीं नहीं सेठ जी, मैं जब बहुत उदास होता हूँ तो ऐसे रंग बिरंगी फुग्गे खरीदता हूँ, मन को थोड़ा अच्छा लगता है। अरे अभी तो कहाँ तो उदास है, उड़ा दे फुग्गे, उड़ा दे चल। सेठ जी, ये गैस वाले फुग्गे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, चाहिए तुझे? नहीं सेठ जी, अब मैं उदास नहीं हूँ। अब फुग्गों का क्या काम? सब चल चल चल। हाँ। रिक्शा रिक्शा चल चल चल। हाँ। नटू काका। बागा बागा नटू काका, नटू काका बागा बागा, मेरा बिंदु, मेरा मतलब मेरी आंखों का बिंदु। जब से तू चला गया था मेरी आंखों में उतर आया था मोती बिंदु। अच्छा हुआ तू वापस आ गया। वापस कैसे नहीं आता नट्टू काका, सेठ जी खुद मुझे ढूंढने आए थे। आज मुझे पता चला सेठ जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। कैसे पता चला? सेठ जी ने खुद ने कहा। सेठ जी नट्टू काका, बागा के लिए फर्स्ट क्लास बढ़िया जूस मंगाओ। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा पेट तो आपके प्यार से ही भर गया। अच्छा शाबाश, तो ले ले ले, चल चल ये फटाफट लैपटॉप रिपेयर कर दे। वो अय्यर भाई ने इसके ऊपर वो कॉफी ढोड़ दी है। फिकर मत कीजिए सेठ जी, अब भी हो जाएगा। शाबाश मेरा कारीगर, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जा 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 जा, फटाफट गोडाउन में जा और आराम से फटाफट रिपेयर कर दे जा। जी हाँ जा। बापू जी को बोल दो। हेलो बाबू जी, खुशखबरी है। क्या हुआ? बागा वापस आ गया बाबू जी। अच्छा सरस सरस, जरा बात करा उससे। बाबू जी वो अभी गोडाउन में बैठ के वो लैपटॉप रिपेयर कर रहा है, थोड़ी देर बाद में करा तो चलेगा? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन जेठिया, रात को दुकान से घर जल्दी आ जाना। जी जी बापू जी, थैंक यू थैंक यू बापू जी। हाँ
सेठ जी लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा। क्या? क्यों? वो सेठ जी कॉफी गर्म होगी ना, इस वजह से उसके माउस पैड का सेंसर जल गया है और रैम के पड़ोस में जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका फिटिंग स्लॉट भी हिल गया है और कीपैड के नीचे की एक आईसी की ऐसी की तैसी हो गई है, तो मुश्किल है। अरे बाघा, मैं बबीता जी को जबान दे चुका हूँ, जबान की कीमत तो समझता है। कुछ भी करके तुझे यह लैपटॉप आज का रिपेयर करना ही होगा। हाँ सेठ जी, इस लैपटॉप में दो पार्ट बदली करेंगे तो हो जाएगा। अरे तो किसकी राय देख रहा है, जल्दी बदली कर। कैसे बदली करूँ? सुबह ऐसे ही पार्ट्स लाने के लिए मैं आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा था लेकिन आपने मना कर दिया। सॉरी बगा, देख गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान ही हूं ना, तो हो गई गलती। अभी देख वो सब भूल जा, तुझे जितने पैसे चाहिए वो नोटू काका से ले ले और फटाफट वो पार्ट लाके इसमें फटाफट डाल के जल्दी रिपेयर कर दे बगा, जल्दी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मेरी समय सूचकता की वजह से आपकी इज्जत बच जाएगी। समय सूचकता? इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ पार्ट्स उधारी में मंगा के रखे थे, तो अभी हमें जो पार्ट्स चाहिए उसमें वो भी है, तो लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा सेठ जी। थैंक यू बागा, थैंक यू। नटू काका, अभी तो बागा को जूस पिलाओ ही पिलाओ। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अभी पीना ही पड़ेगा। तू बोल कौन सा पीना, तुझे मेरी कसम। बोल बागा, बोल बेटा। ठीक है, एप्पल, पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी, ब्लैक ग्रेप्स। पांच जूस? कोई बात नहीं नटू काका, पांचों के पांचों जूस मंगा दो बागा के लिए। अरे सेठ जी, पांच जूस अलग अलग नहीं, पांचों का मिक्सर एक ही कॉकटेल। अरे भाई, तो सीधे सीधा कॉकटेल बोलने। एक तो इधर टाइम नहीं, रमूज कर रहा है। आ जाएगा, आ जाएगा तेरा कॉकटेल, आ जाएगा बेटा। जा फटाफट जा, तू जाके फटाफट रिपेयर कर, जा 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 जी। जा अब बोल दो, जरा फोन पे बोल दो उसको। हाँ बोलिए यार भाई। जटालाल, मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया। ओ, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 दिन लगेंगे। जटालाल, वो लैपटॉप आज के आज रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम जाके जो लैपटॉप रिपेयर नहीं होता है तो तुम वो वापस कर दो, मैं कहीं और से रिपेयर करवा लेगा। नहीं नहीं भाई, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आपका लैपटॉप के ऊपर काम चालू है, आज के आज हो जाएगा। तो जटालाल, जैसे ही लैपटॉप रिपेयर हो जाए मेरे को फोन कर देना, मैं दुकान आकर ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ। ले आ जाऊंगा। देने आए थे? देने कौन आया था? बबीता जी। तो मैं ये लैपटॉप बबीता जी के हाथ में ही दूंगा। दोस्तों, आखिर जेठालाल ने बड़ी भाग दौड़ करके और बागा को ढूंढ के आखिर कर बबीता जी का लैपटॉप खड़े खड़े रिपेयर करवा लिया। लेकिन सिर्फ रिपेयर करवाने से क्या होता है, क्योंकि अय्यर के एक फोन ने जेठालाल के अरमानों का टॉक टाइम खत्म कर दिया है। अब इतनी मेहनत के बाद रिपेयर किया हुआ ये लैपटॉप अगर जेठालाल को अय्यर के हाथों में सौंपना पड़ा तो भाई जेठालाल की शक्ल देखने लायक होगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जेठालाल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि ये लैपटॉप बबीता जी तक पहुंचाए और मुझे मालूम है कि अय्यर इस प्रयास में होंगे कि वो जेठालाल का ये सपना चकनाचूर कर दे। खींचातानी दोनों और बराबर है, यानी कि एक दूसरे को टॉप करने की ये जो कहानी है ये अभी आगे बड़े ठाकों के साथ बढ़ेगी। अब ये लैपटॉप क्या जेठालाल बबीता के हाथों में देने में कामयाब होते हैं या अय्यर ये लैपटॉप लेके जेठालाल का सपना चकनाचूर कर देते? भाई यहां सपने भले ही चकनाचूर हो जाए लेकिन हंसी बरकरार रहेगी। देख रही हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।